मैं हूँ इस्तांबुल टू बोर्सा जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ये है हम लोग की फेरी है, ये देखो, ये इस्तांबुल का ये पूरा ये है। वो देखो गलाटा टावर उधर दिख रहा है, वो मज़ा आएगा। 2 घंटा का सफ़र है। मैं इमिनिनो आ गया हूँ मैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और ये देखो बुरसा, ये बुरसा का ये है काउंटर है ये। और मैंने ये फेरी की टिकट परचेस किया, बहुत प्रोसेस है इसका भी, और मैं बताऊंगा अभी अंदर बैठ के बताऊंगा, टाइम नहीं है अंदर जाके आपको पूरी बताऊंगा मैं क्या हुआ करके और क्या क्या मांगा डॉक्यूमेंट इन्होंने करके। ओके, बैग यहाँ पे जैसा एयरपोर्ट में जैसा किधर भी मॉल में चेक करते हैं वैसा चेक करने का ये है। ये यहाँ से चेक करें फिर इधर आए हम लोग। मैं हूँ अभी बुरसा के मतलब बोर्डिंग करके अंदर बैठा हूँ मैं, और ये एक ओपन है, एक ये है, दोनों साइड से है उधर। ये हम लोग की फेरी आई है अभी, देखिए 10:30 का टाइम है, अब बजा है 10:13, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था मेरे को इसके लिए। जिधर भी इधर ट्रैवलिंग करेंगे सफ़र करेंगे इधर आके मास्क लगाना ज़रूरी है, इसके लिए मास्क लगा के बैठा हूँ। हल्की सी बूंद हो रही है, बारिश, मौसम आज ज़्यादा ठंडा है। ये है बोर्डिंग कार्ड, और इन्होंने भाई पहला वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा मेरे से, बोला वैक्सीन सर्टिफिकेट दो डोज का, और पासपोर्ट मांगा, और ये इन्होंने ये बोर्डिंग पास दिया इन्होंने। यहाँ से 2 घंटा का सफ़र है बुरसा। मैं हम लोग की फेरी है, ये देखो, ये इस्तांबुल का ये पूरा ये है। वो देखो गलाटा टावर उधर दिख रहा है, वो सुबह के 10:30 का है ये। मेरा मैं होटल से निकला, बहुत देर हो गई मेरे को, भाग भाग के आना पड़ा मेरे को, बहरहाल मिल गया मेरे को, मैंने बोर्डिंग पास भी ले लिया मैंने। ये देखिए ये लोग आ रहे बुरसा से, रिटर्न आ रहे ये लोग, अभी हम लोग जाएंगे हम लोग। मौसम तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत बहुत तो बहुत प्यारा मौसम है, तो देखिए ना मज़ा आएगा। 2 घंटा का सफ़र है, मज़ा आएगा। हाँ, इसका जो कीमत अदा किया मैं 360 रुपये लगभग इंडियन रुपीज़ के इसमें हुआ ये, और नॉट बैड यार, बहुत अच्छा है। कहीं कहीं सस्ता है, कहीं कहीं महंगा है भाई। अब जैसा कि ट्रम में जाएंगे तो मतलब किधर भी जाओ, ये कोने से वो कोने तक 2 घंटा का सफ़र है, आपको सिर्फ 4 लीरा ही पे करना पड़ेगा। देखिए हवा, देखिए आपको तो सुपर मौसम यार, बाकी यूरोप ही है।
şekilde atabilirsiniz. Deniz otobüsünden ayrılırken kişisel eşyalarınızı almayı unutmayınız. Önerileriniz bizler için önemlidir. Önerilerinizi ve taleplerinizi e-mail adresinize ve çağrı merkezine iletebilirsiniz. मैं एक पानी का बॉटल परचेस कर रहा था जो 2 लीटर है, ठीक है, बाहर जितना उतना ये कुछ महंगा नहीं है। वो ये कॉइन है, ये टर्किश कॉइन है। पानी का बोतल लिया, 2 लीटर का है ये। ये जो फेरी है पूरा एसी है, ये पूरा 3 3 3 3 मतलब 4 नहीं 1 2 3 3 6 9 एक लाइन में 12 पैसेंजर बैठ सकते हैं। पूरा ये पूरा ए मतलब एसी बोल तो पूरा, हाँ एयर कंडीशन ही है ये देखा जाएगा तो। और देखो एकदम ऐसा लग रहा फ्लाइट है और उसके मापे लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। अगर बैग छाएगा तो भी अपन बैग भी रख सकते हैं, फ्रंट साइड का हिस्सा है, यहाँ पे बैग भी रख सकते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं, इधर आराम से रख सकते हैं और उधर भी रख सकते हैं अपन, दोनों साइड से रख सकते हैं अपन बैग किधर भी। आज संडे है इसके लिए पूरा खाली खाली लग रहा है। आज है 23 अक्टूबर। आज थोड़ी नीचे कर लेता हूँ यार, बहुत अच्छा है देखो, पूरा खाली खाली है। मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप, पूरा खाली है एकदम, 3 3 3 3 3 3 है पूरा इसमें, ये देखिए। मैं अभी ऊपर के हिस्से में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर भी है, ऊपर छोटा सा स्पेस है भाई, एकदम छोटा सा है देखो ना, बहुत छोटा है, अच्छा है। लेकिन बिल्कुल छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। से पूरा बाल बिखर गया है भाई। मैं अभी फेरी में हूँ भाई, ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट का सफ़र है ये इस फेरी का, और पूरी एयर कंडीशन है ये, 39 लीरा मतलब बहुत कुछ नहीं है भाई, हाँ बहुत अच्छा है 39 लीरा। और ये किचन, ये अपना कैंटीन है ये। रहा दूसरी बात आके पूरा इधर सेफ्टी जैकेट है पूरा लेके मतलब रखे नीचे लोग, मैं आपको बताऊँगा मैं तो कभी कुछ हुआ तो पानी में जाने के लिए, उसके हिसाब से सही है एकदम, बहुत सही है। और क्या चाहिए, 39 लीरा में 360 रुपये में डेढ़ मतलब दो घंटा का सफ़र है, ठंडी बहुत थी इसलिए मैंने जाड़ी सी जैकेट ले ली मैंने। फिर जो कि इस्तांबुल है, इस्तांबुल से बुर्सा बहुत फास्ट जा रही है फेरी जो बोलते ना, बहुत फास्ट है देखिए। Thank you.
बस मैं बुरसा उतर चुका हूँ, 2 घंटे लगा और ये फेरी में आया। अच्छा पूछता हूँ भाई को, तो 2 घंटा लगा, बहुत अच्छा रहा सफ़र और बहुत मज़ा आया। मौसम बहुत ठंडा है और पहाड़ी इलाका है, बहुत खूबसूरत है। चलो अभी बुरसा सिटी भी बताऊँगा आपको मैं।